गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे 3.2, ठीक है। और 3.2 का आज हम क्वेश्चन देखेंगे 18, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक वो आपको FX और FY वाला मैंने करवाया था ना, एक वो क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ध्यान से कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, देखो आपको, देखो एक आव्यूह दिया हुआ है ए। क्या है आव्यूह ए, देखो 0-10 अल्फा अपॉन में 2, फिर 10 अल्फा अपॉन में 2 एंड 0, तथा साथ में आपको दिया हुआ है कि आई जो है ना वो 2 कोटि का तत्समक आव्यूह है, यानी यूनिट मैट्रिक्स है। ये देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि आई 2 कोटि का तत्समक आव्यूह है, यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है, ठीक है बच्चों। इकाई आव्यूह तत्समक आव्यूह एक ही बात होती है। अब आपको ये सिद्ध करके दिखाना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सिद्ध करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है एक तो आई प्लस ए की, तो हम सबसे पहले आई प्लस ए निकाल लेते हैं। ये रहा आई, इसके अंदर ए जोड़ दीजिए, 1 में 0 ऐड किया, 1 0 में -10α/2 ऐड किया तो -10α/2 आ जाएगा, 10α/2 और 0 को ऐड किया तो 10α/2 ही आएगा और ये आ जाएगा 1। इसी तरह से आई में से ए घटाना है, यानी इसमें से इसको घटाना है, इसको यानी क्या करना है, उसमें से घटा दो। एक में से 0 गया, बोलो कितना आया 1, 0 में से घटाया -10α/2 कितना आया 10α/2, फिर ये घटाया कितना आया -10α/2 और फिर 1 आ गया। ये देखो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करें, RHS ले लें, ठीक है, आई माइनस ए, ठीक है, क्या है RHS, देखिए आई माइनस ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, ओके इस तरह से। अब यहाँ आई माइनस ए का मान रखिए, आई माइनस ए क्या है बोलो, 1 10α/2 -10α/2 1, मुझे क्या बोलिए, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, ओके इस तरह से, ठीक है बच्चों। चलो अब इसमें अपने आई माइनस ए का मान रख दिया, अब आप इनको सिंपली गुना कर दीजिए, जैसे आप गुना करते हैं वैसे गुना कीजिए। यहाँ से स्तंभ उठाया, यहाँ लिया, यहाँ कोस अल्फा आ गया, यहाँ साइन अल्फा आ गया, जैसे गुना करते हैं वैसे गुना कीजिए। दो आव्यू को गुना करना आपको बहुत अच्छे से आता है, यह आ जाएगा 10α/2 इंटू साइन अल्फा, फिर नीचे वाले से होगा इसका क्या आ जाएगा, माइनस 10α/2 इंटू कोस अल्फा प्लस में कितना बच्चों, साइन अल्फा। पहले स्तंभ का काम खत्म हो गया, अब द्वितीय स्तंभ को लाइए, यहाँ पर ये कितना है बोलो, माइनस का साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू 10α/2, फिर कितना बच्चों, साइन अल्फा एंड 10α/2 प्लस में कितना बोलो, कोस अल्फा। लो ये मल्टीप्लाई कर दिया अपन लोगों ने। अब आप आगे क्या करेंगे, अब सुनिएगा, ये जो आपके पास में 10 है ना, इसको आप साइन बटा कोस लिख लीजिए। ये 10 जो अल्फा अपॉन में 2 है, इसको लिखिए साइन बटा में कोस। अब कुछ बच्चे यहाँ देख रहे होंगे कि सर ये, हाँ मतलब कुल ये देखो सीधा, बस 10 की जगह मैंने साइन बटा में कोस लिखा है, जहाँ जहाँ यहाँ 10 दिख रहा है वहाँ साइन बटा में कोस कर दीजिए। यहाँ देखिए कुछ बच्चे कई बार क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं कि लिख दिया साइन बटा में कोस लिख दिया, और कोस से कोस को काटने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा ये अल्फा और ये अल्फा बटा 2 है, ये कटेंगे नहीं। यहाँ भी हम क्या करते हैं, लिखते हैं माइनस साइन α/2 इंटू कोस α/2 इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा इंटू साइन α/2 अपॉन में कोस α/2 प्लस कोस अल्फा, ओके बच्चों। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, चलिए एलसीएम लेंगे हम, चलो यहाँ कर रहा हूँ मैं इसका आगे का भाग। एलसीएम लिया,
क्या बन जाएगा, कोस अल्फा वाई टू प्लस, ठीक है, साइन अल्फा अपॉन में टू, ये लो जी बटा में कितना है, ये एलसीएम आ गया। इसका भी ले लीजिए, इसका लेते टाइम एक याद रखना, ये प्लस वाला जो है ना साइन वाला, इसको मैं पहले लिखूंगा और ये माइनस वाला इसको बाद में लिखूंगा, ठीक है। तो एलसीएम लिया, क्या बन गया, साइन अल्फा कोस अल्फा वाई टू माइनस कोस अल्फा एंड साइन अल्फा वाई टू अपॉन में कोस अल्फा वाई टू, राइट, ठीक है। अब यहाँ देखिए दूसरे वाला ये क्या बनेगा, देखो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा वाई टू प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा वाई, जगह थोड़ी कम है, ठीक है भाई, अपॉन में यहाँ भी कितना है बोलो, कोस अल्फा वाई टू है। फिर नीचे वाले को करो क्या हो जाएगा, कोस अल्फा वाई टू प्लस साइन अल्फा वाई टू, इसके बटा में भी कितना है, कोस अल्फा वाई टू है। बच्चों मैट्रिक्स बंद कर देना। अब देखो अल्फा को ए मान लो, अल्फा वाई टू को बी मान लो, तो क्या बन गया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आप बहुत अच्छे से सब फॉर्मूले आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, और आप कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला है किसका, कोस ए माइनस बी का, ओके, बटा में है कोस अल्फा वाई टू। यहाँ देखो माइनस कॉमन ले लेना, ये माइनस जब कॉमन लोगे आप, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ ये भी बन जाएगा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, और ये बन जाएगा कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो अब सब बच्चे ध्यान देंगे मेरी बात पर, सुनो बच्चों, ये कोस अल्फा माइनस अल्फा बटा दो है, अल्फा में से अल्फा बटा दो गया तो बताओ ऊपर क्या बच गया, कोस अल्फा वाई टू, कोस अल्फा वाई टू, नीचे क्या बच गया, नीचे पहले से कोस अल्फा वाई टू है, ये हो गया साइन अल्फा वाई टू बटा में कितना, कोस अल्फा वाई टू, ये कितना है साइन अल्फा वाई टू और बटा में कितना है कोस अल्फा वाई टू, और ये है कोस अल्फा वाई टू बटा में कोस अल्फा वाई टू। अब आप कहेंगे सर ये कट गए आपस में, कोस वाले कोस से कट गए और साइन बटा कोस वाले टेन बन गए, तो क्या हो गया, एक माइनस टेन अल्फा वाई टू, फिर टेन अल्फा वाई टू और फिर एक। अब आप खुद मिला के देखिए क्या ये आई प्लस ए नहीं है क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ये तो आई प्लस ए है, यानी इक्वल आ गया किसके, एल एच एस के, आर एच एस को मैंने बराबर कर दिया एल एच एस के, इसलिए आप कह सकते हैं कि सर एल एच एस बराबर क्या होगा, आर एच एस होगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अच्छा बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आप मेरे साथ, चलो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, समझिएगा। देखो बेटा देखो, आपको जो है ना 21 और 22 नंबर दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, x की कोटि दे रखी है, y की दे रखी है, z की दे रखी है, w की दे रखी है, p की दे रखी है, कोटि पढ़ लो आप, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना आपसे क्या पूछा गया है, समझिएगा बच्चों क्या कह रहा है आपको, ये कह रहा है कि एक तो है पी वाई, एक है डब्ल्यू वाई, इन दोनों के परिभाषित होने के लिए, तो समझना मेरी बात, इसको लिख लूं मैं पी प्लस डब्ल्यू वाई कॉमन आ गया, ठीक है। अब इस चीज के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी में क्या प्रतिबंध होना चाहिए, तो समझो पहले देखो पी और डब्ल्यू का योग होना चाहिए, उसके बाद ही तो वाई से गुणा होगा, और दो आवयुओं का योग आप तभी कर सकते हो, पी और W का आपने योग करना है, योग तभी संभव होगा जब P और W कोटि समान होगी। तो यहाँ जरा P की कोटि लिखो कितनी है, P इंटू के, और यहाँ W की लिखो कितनी है, N इंटू तीन, ठीक है। अब देखो दोनों कोटि समान होने के लिए दोनों में पंक्तियों की संख्या बराबर, यानी P बराबर क्या होना चाहिए, N, और K बराबर क्या होना चाहिए, तीन। तो ये आ गया N P तथा K के मध्य, N P तथा K के मध्य क्या प्रतिबंध होगा, प्रतिबंध आपका
आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब अगला जो क्वेश्चन आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर 22, वो कह रहा है कि n बराबर यदि p है तो, ये चीज़ आपको दी गई है, तो वो कह रहा है कि 7x माइनस 5z की कोटि है, 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। तो देखो 7x, सुनो भाई आप छोड़ो, देखो कोई भी आव्यूह a दिया हुआ है आपको, अगर मैं इस आव्यूह को 5 से गुना कर दूं तो क्या कोटि बदल जाती है? कभी नहीं बदलती। आव्यूह का प्रत्येक अवयव उस संख्या से, जैसे मान लो ये a दिया हुआ है, अगर मैं इसको 2 से गुना कर दूं तो प्रत्येक अवयव 2-2 के साथ गुना हो जाएगा, परंतु कोटि तो 2×2 रहेगी ना, तो किसी संख्या से गुना करने पर कोटि नहीं बदलती। इसीलिए यहाँ पर आप सिर्फ x को देखो और यहाँ आप सिर्फ z को देखो, ये 7 और 5 से ही कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इन दोनों को माइनस कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ देखो आप x की कोटि लिख लो कितनी है, 2×n, यहाँ आप z की कोटि लिख लो कितनी है। अब ये कह रहे हैं कि अब इन दोनों, देखो इन दोनों को यदि आप माइनस करोगे तो दोनों का समान होना जरूरी है, दोनों ही कोटि समान, अब दोनों में पंक्तियों की संख्या तो समान है, और ये n तथा p बराबर होना चाहिए, और ये ऑलरेडी आपको बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो जो आव्यूह आएगा ना आपके पास में, उसकी कोटि क्या होगी? पंक्तियों की संख्या तो उसमें 2 ही होगी, ठीक है, क्योंकि घटाने के बाद में जो आव्यूह आता है, 2 आव्यूह को घटाने या जोड़ने के बाद में जो आव्यूह प्राप्त होता है वो समान कोटि का प्राप्त होता है, जो दिए गए आव्यूह की कोटि है वही आपके आंसर की, जो मतलब जो आंसर घटाने पर जो भी प्राप्त करेंगे आप उसकी कोटि होगी। अब या तो आप यहाँ एन ले लो या फिर आप यहाँ पर p ले लो, एक ही बात है, आप जानते हैं n बराबर p होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 7x माइनस 5z कोटि, कोई भी इसमें से आंसर जो सही दिखे आपको वो टिक लगा दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था अपने पास में 3.2 एक्सरसाइज। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे 3.3 एक्सरसाइज में चलेंगे, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा आव्यूह का परिवर्त। क्या नाम है बेटा टॉपिक का? आव्यूह का परिवर्त, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी किसी आव्यूह का आपने परिवर्त ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? तो मैं पहले सिखा देता हूं आपको। जैसे आपने एक आव्यूह लिया, क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज को याद रखिएगा, या तो ए डैश से लिखा जाता है या ए के ऊपर पावर टी लगा के लिखा जा सकता है, कोई भी मिल जाए, कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रांसपोज जब हम किसी आव्यूह का करते हैं तो जो हमारी पंक्ति थी वो स्तंभ बन जाएंगे, और जो स्तंभ थे वो पंक्तियां बन जाएंगे। देखो ये पंक्ति है 1, 2, 3, ये बन जाएगी स्तंभ। 4, 5, 6 पंक्ति थी, क्या बन गया देखो? स्तंभ। पहले ये 1 और 4 ये क्या था? स्तंभ। अब देखो क्या है? ये पंक्ति है। तो ट्रांसपोज क्या होता है कि जो पंक्तियां हैं वो स्तंभ बन जाती हैं, और जो स्तंभ है वो पंक्तियां बन जाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, किसी भी आव्यूह के परिवर्त को a डैश या a की घात t, ऐसे दोनों में से कोई भी सिंबल आ जाए, इससे निरूपित करते हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है कि पंक्तियां स्तंभ बन जाती हैं और स्तंभ पंक्तियां बन जाते हैं। अब देखो आपका जो a है उसकी कोटि कितनी थी बताओ? 2×3, पर परिवर्त की कोटि कितनी हो गई? 3×2, क्योंकि जो स्तंभ थे वो पंक्तियां बन गई, जो पंक्तियां थी वो स्तंभ बन गई। तो याद रखिएगा, परिवर्त के अंदर कोटि क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है। ये अवयव पहले कौन सा अवयव था बताओ? आप कहेंगे सर ये तो a12 था, अब ये अवयव कौन सा बन गया बताओ? आप कहेंगे सर अब तो ये 2×1 बन गया कि नहीं बन गया? क्योंकि पंक्तियां स्तंभ की जगह पर चली गई, स्तंभ पंक्तियों की जगह पर चले गए। याद रखिएगा, अगर कोई आव्यूह आपको दिया हुआ है aij m×n कोटि का, तो जब आप इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो परिवर्त को हमेशा a डैश या a की घात t से लिखा जाता है। और परिवर्त में क्या होता है? किसी भी आव्यूह का जो परिवर्त होता है उसमें पंक्तियां स्तंभ बन जाते हैं, स्तंभ जो है वो पंक्तियां बन जाते हैं,
ठीक है, तो आपका जो ये ए आई जे एलिमेंट था, जैसे कि उदाहरण देखा आपने, जो अवयव ए वन टू था वो ए टू वन बन गया, जो अवयव आपका ए वन थ्री था वो ए, अब देखो कहां पर आइए, थ्री वन बन गया। यानी कि ऐसे पलट जाएंगे अवयव, ए वन टू ए टू वन हो गया, ए वन थ्री ए थ्री वन हो गया, ए टू वन जो है वो ए वन टू हो गया, तो ऐसे ही ए आई जे जो है वो जे आई हो जाएगा, क्योंकि पंक्तियां जो है वो स्तंभ की जगह पर, स्तंभ जो है वो पंक्तियों की जगह पर कन्वर्ट हो जाएंगे। और कोटि भी बेटा बदल जाएगी, अगर m इंटू एन कोटि है तो m इंटू एन कोटि है तो n इंटू एम हो जाएगी। देखो दो इंटू तीन थी, तीन इंटू दो हो गई। तो ठीक है बच्चों, तो ये आज हमने एक नया टॉपिक शुरू कर दिया, अवयव का परिवर्त। अगले वीडियो में इसकी जो है पूरे विस्तार से जानकारी लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।